मुक्ति wow. शक्ति कैसी हैं आप मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं आप इतनी दूर क्यों बैठी हैं प्लीज स्टेज पे आइए मोहन सिस्टर्स के लिए तालियां ओ वॉकिंग आज फैमिली स्पेशल में हम सब अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं प्लीज आप अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताइए स्पेशली हमारी जज नीति के बारे में आदित्य मैं आप सबसे यू नो आई ऑलवेज फील कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि बचपन में माँ बाप हमारे कितने करीब होते हैं है, है ना और भाई बहन हमारे कितने करीब होते हैं लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हमें हमेशा जैसे बोला जाता है कि सच्चे आशिक तुम्हें तो भी कोई मिलेगा एक बंदा होगा जो तुम्हारा होगा और वो फिर अचानक से माँ बाप से दूर हो जाते हैं हम भाई बहन से दूर हो जाते हैं फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि ये जो परिवार था वो सब छोड़ के हम कहीं और जा रहे हैं और वो भी लड़कियों को सबसे पहले के दिमाग में बात डाल दी जाती है लेकिन जो एक बंधन होता है और जो इतना अटूट बंधन होता है वो होता है भाई बहन का रिश्ता वाह तो वो हमेशा रहता है एक ऐसा समय होता है जब माँ बाप नहीं थे और छत महसूस नहीं होती है लेकिन ऐसे समय पे ना भाई बहन ही साथ देते हैं ऐसे समय पे भाई बहन मां भी बन जाते हैं बाप भी बन जाते हैं और मेरे लिए हमेशा मेरी माँ भी रही हैं और मेरी पिता भी रही हैं नीति दीदी शी इज अ गॉड एस फॉर मी आई लव यू आई लव यू मैं दीदी को डू बोलती हूँ और हम लोग ऐसी फैमिली से थे जहाँ सोच भी नहीं सकते थे कि हम यू नो यहाँ पहुँचेंगे या कुछ करेंगे या फिर डांस कर सकते हैं एक्टिंग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे एक मोमेंट ऐसा आया था क्योंकि ऑफकोर्स सबके लाइफ में सिचुएशंस आती हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और मेरा दिल से इतना मन था कि मैं डांस करूँ बट कुड नाट डू इट एंड तब मुझे दीदी ने बोला कि यू नो आई एम देयर विद यू यू शुड डू इट So thank you for you know, giving me this life. I love you. आपने मुझे ऐसे कहते हैं ना पंख दिए हैं जहाँ मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था पर आपने मुझे वो भरोसा दिया मेरे अंदर कि यू नो आई कैन डू इट और मुझे नहीं पता था वेर आई वुड गो बट ओनली 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 थैंक्स टू यू आई कुड डू दिस आई लव यू फाइनेंशियली वी वर नथिंग उस ऐसा दौर था कि मकान छोड़ के एक अपार्टमेंट में गए थे उसमें भी मम्मी ये डिसीजन लेती थी कि इतने ही पैसे हैं कि ब्रेड का पैकेट आएगा कि चावल का पैकेट आएगा और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था और ऐसे समय में 18 साल की लड़की ने सुबह कॉलेज जाती थी शाम को कॉल सेंटर में जाती थी और उसके बाद उन्होंने आर्मी में भी गई हैं और इतनी मेहनत करी है इतनी मेहनत करी है और हमें कभी पता भी नहीं लगने दिया है थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटिफुल लाइफ टू थ्री ऑफ योर डॉटर्स बिफोर वीर, आई थिंक आपकी तीन बेटियां थी सो थैंक आई फील लाइक अ मदर मैं मुझे लगता है मैं बचपन में ही एक माँ बन गई थी क्योंकि जब आपकी तीन बहनें हो और माँ बाप ने आपको ऐसे ही बड़ा किया हो कि आपको इनका ध्यान रखना है और जो आप करोगे ये आपको देख रही हैं आप इनकी आइडल बनो तो मैंने बस यही कोशिश की है जीवन में कि मैं कुछ भी करूं मेरी बहनें और मेरे माँ बाप हमेशा मुझ पर प्राउड फील करें आज जो भी कर रही हूं और आगे जो भी करूंगी इनके बिना मैं कुछ नहीं हूं मुझे ऐसा लगता है ये मेरी बहने ही मेरी शक्ति है मेरी कृति है और मेरी मुक्ति है मेरी बहने ही मेरी सब कुछ है हर जन्म में मुझे मेरी ये तीन बहनें चाहिए हर जन्म में मुझे मेरी बहनें चाहिए आगे। में। आगे। में।